So, मुझे बताइए कि आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है, आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का मेन मोटिव यही है कि आपको मोटिवेट करें वर्कआउट के लिए। सो इस तरीके से हम लोग सीरीज लाते रहेंगे वर्कआउट की, और आई होप आप हमारे साथ वर्कआउट करते रहेंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस चैनल पे लाएंगे, जैसे छोटे छोटे ड्रिल्स होते हैं, स्ट्रेचेस होते हैं, योगा से रिलेटेड थिंग्स होती है, जैसे कि आपको बैक स्पाइनल के लिए आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए, वर्कआउट रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज एंड एचआईआईटीज एंड बॉडी वेट ट्रेनिंग, टबाटा ट्रेनिंग, पिलाटेस ट्रेनिंग, बहुत सारे वर्कआउट हमारे चैनल पे आने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहले ये बताइए कि आप लॉकडाउन आपका कैसे चल रहा है, और आप वर्कआउट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोगों का चैनल का मेन मोटिव यही है कि लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स इंप्रूव टुगेदर, लेट्स वर्कआउट टुगेदर, लेट्स शेयर इन्फॉर्मेशन टुगेदर। हम लोग वर्कआउट सीरीज लाते रहेंगे, कभी लेग्स का वर्कआउट, आपके बैक का, स्पाइनल स्ट्रेंथ का वर्कआउट, अपर स्ट्रेंथ, लोअर स्ट्रेंथ, इन एवरी बॉडी पार्ट जो आप सोच भी नहीं सकते उतने तरह के वर्कआउट पॉसिबल हो जाए। जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आपके पास जिम कितने इक्विपमेंट नहीं होंगे, तो उनके मॉडिफिकेशन भी लाएंगे, साथ साथ मैट वर्कआउट, बॉडी वेट ट्रेनिंग, डंबल्स ट्रेनिंग, पिलाते, एचआईआईटीज, योगा एंड मैनी मोर थिंग्स। हमारे चैनल में बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है रिलेटेड टू फिटनेस, हेल्थ, ब्यूटी एंड मैनी मोर थिंग्स। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको उसके लिए हमें सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा। आप हमारे वीडियोस देखे होंगे, नो जंप कार्डियो, चेयर सूर्य नमस्कार, इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे वर्कआउट वीडियोज ला के आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और अगर आप लोग वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता किस तरह का वर्कआउट करें, कब करें, कैसे करें, क्या करें, पूरा वर्कआउट का सीरीज देखते देखते सर्च करते करते ही यूट्यूब पे टाइम निकल जाता है, तो प्लीज सब्सक्राइबर्स, बस आप बंद करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ साथ जब भी आपको वर्कआउट करना है, ओपन आवर चैनल, ओपन आवर वीडियोस एंड स्टार्ट डूइंग वर्कआउट्स। ट्रस्ट मी, इट विल डेफिनेटली वर्क इन योर केस टू। सो चलिए आज का वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग एक्चुअली वर्कआउट के फॉर्म से हट चुके हैं थोड़ा, तो फिर से पेस में आने के लिए मैं आपके लिए अभी लो इंटेंसिटी के वर्कआउट लेके आ रही हूँ। तो पहला हमारा था लो जंप कार्डियो वर्कआउट, जिसमें जंप्स बिल्कुल नहीं थे, ऑलमोस्ट बहुत ही कम जंप्स थे। और अगर आपको लगता है कि वर्कआउट इज जस्ट लाइक जंपिंग और इस तरीके से वेट ट्रेनिंग एंड ऑल, जब आप औरों के वीडियो देखते हो और आपको लगता है हमसे तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि मैं आज आपको लेग्स के वर्कआउट बताऊंगी विदाउट स्क्वाट्स, विदाउट लंजेस। कैन यू इमेजिन कि लेग डे मैं करूंगी आज विदाउट स्क्वाट्स एंड लंजेस। आज वीडियो बताने वाली हूँ नी फ्रेंडली है, तो डोंट वरी कि आपके नीज में पेन हो जाएगा, क्योंकि जनरली हम लोगों के स्क्वाट्स के फॉर्म डिफरेंट होते हैं, लंजेस के फॉर्म्स करेक्ट नहीं होते, तो हम लोगों को आगे जाके बहुत बैडली नी पेन हो जाता है और हमारा वर्कआउट कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो डोंट वरी अगर आपको नी पेन है या आप अभी बिगिनर्स हैं और आपको लगता है कि माय गॉड स्क्वाट्स आर नॉट मेड फॉर मी, तो फॉरगेट इट, कोई बात नहीं। मैं आज आपको जो वर्कआउट बताऊंगी, ट्रस्ट मी, आपके क्वाड्स विल बी पेन लाइक ओ माय गॉड। सो उसके पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, तो ऑलवेज वर्कआउट करें तो आपको वर्कआउट के गेटअप में आना जरूरी है, क्योंकि ये एक बिग मोटिवेशन देता है। और अगर आपको फील बोर कर रहे हो वर्कआउट में, बोरिंग होगी, तो प्लीज ट्राई टू वेयर सम कलरफुल क्लोथ्स, सो जस्ट लाइक रेड कलर, इट विल गिव यू द ग्रेट मोटिवेशन। यू कैन सेलेक्ट योर प्लेलिस्ट इन एडवांस। करने आती हूँ और मैं सोचती हूँ कि पहले प्लेलिस्ट देखती हूँ, कौन सा गाना, नहीं ये गाना, नहीं वो गाना, ऐसे करते करते मेरा टाइम ऑलरेडी आधा घंटा निकल जाता है, मैं ऑलरेडी बोर हो चुकी होती हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप इसको पहले से करके रख लीजिए। और यस, अगर आप लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, ब्लैक कॉफी, तो ट्रस्ट मी इट विल हिट यू, प्लान कीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है प्लानिंग करने का, तो जो मैंने स्मॉल स्मॉल टिप्स बताए वो तो आप करिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बंद करके बस चैनल के वीडियोज ओपन करिए। आज मैं आपको जो वर्कआउट बताने वाली हूँ वो बहुत हाई जंप्स के, बहुत लो जंप्स के, या बहुत बोरिंग सॉर्ट ऑफ नहीं है। क्वाड्स का मैं आपको आज वर्कआउट बताऊँ, उसमें आपको मैं कोई भी स्क्वाट्स, कोई भी लंजेस नहीं बताऊंगी, फिर भी आपके क्वाड्स पेन होने लगेंगे। सो स्टार्ट एट, सबसे पहले मैं वर्कआउट किस तरीके से करती हूँ और किस तरीके से अपनी क्लासेस में करवा रही हूँ, या अपर स्ट्रेंथ, शोल्डर्स, या मुझे बाइसेप्स, या कुछ भी वर्कआउट आज मैं सोच रही हूँ या जी करना है, तो सबसे पहली बात तो मैं डायरेक्टली वर्कआउट पे जंप नहीं करूंगी। सबसे पहले वर्कआउट की इम्पॉर्टेंट रूल है आपका प्री वर्कआउट स्ट्रेचेस एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आपको इंजरीज भी नहीं होती वर्कआउट के ड्यूरेशन में, और आपकी मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स भी इंक्रीज हो जाता है, आपका फुल रेंज ऑफ मोशन आपको मिलता है। सो नेवर स्किप योर ड्रिल्स,
प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट ड्रिल्स, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा कार्डियो भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा, थोड़ा सा आपका बॉडी ओपन हो जाए, देन यू कैन स्विच टू योर मेन टारगेटेड बॉडी पार्ट जस्ट लाइक लेग, शोल्डर और वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर द फुल बॉडी वर्कआउट. सो चूज एनीथिंग बट डोंट स्किप योर ड्रिल्स. मैंने वार्म अप कर लिया है. अगर आपको वार्म अप का नहीं पता क्या स्ट्रेचेस होते हैं, क्या ड्रिल्स होते हैं और क्या क्या मैं कह रही हूँ, तो डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे वीडियोज का लिंक दे रही हूँ. आप चाहे तो प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट ड्रिल्स उनसे देख के सबसे पहले 10 मिनट्स अपने प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट ड्रिल्स को जरूर दीजिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मेन टारगेटेड पार्ट दैट आर क्वाड्स. इमेजिनरी ऑब्जेक्ट या चाहे तो कोई ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं. आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिंगल सिंगल लेग से आपको इस तरीके से क्रॉस करना है. बट आप ध्यान रखेंगे इसमें आपको अपनी नीज को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है ताकि पूरा प्रेशर आपके लेग्स पे क्वाड्स पे ही आ सके. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 14-14 ईच लेग. Now change your leg to leg. You will feel like burning in your quads. Legs and quads को up and down करना है. थोड़े से knees soft रखेंगे, बहुत lock नहीं रखेंगे knees ताकि आपका पूरा pressure आपके quads और legs पर भी आ सके. Do it 12-12 or 14-14 each leg. Now change your side, change your leg. Leg को बहुत आप नीचे जाना है, बस आपको quads पे प्रेशर फील करना है. Trust me, it will hit your quads. Have to hold a box like a straight box. नेक को लीन नहीं करेंगे, शोल्डर को भी स्ट्रेट रखेंगे, बैक स्ट्रेट. अगर आप स्ट्रेंथ कर दो यू कैन गो अप एंड डाउन. अदरवाइज नीज को सिर्फ बहुत थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे एयर पे एंड होल्ड योर क्वाड्स लाइक अ स्ट्रेट बॉक्स. होल्ड इट. बॉक्स होल्ड का ही वेरिएशन है. अगर आप बिगनर्स हैं, बिगनर्स लोग दिस वन दे विल डू. और एडवांस लोग सबसे पहले बॉक्स होल्ड करेंगे एंड स्टार्ट योर बीयर स्क्वायर्स. यू कैन से इट क्वाड रॉकर. इसमें स्क्वैट्स में आप करते हैं, स्क्वैट्स से हम लोग फिर से डाउन जाते हैं, जंप करते हैं स्क्वैट्स में. मगर आज का वीडियो हमारा नो लंजेस नो स्क्वैट्स है, तो हम लोग इसको नॉर्मली करेंगे, वो भी हमारे क्वाड्स पे आता है. आपको नीचे बहुत पेन है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं. द लास्ट वन अगर वी टेक द हिप ब्रिज. ये वर्कआउट में आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स सब इंगेज हो रखे हैं. फर्स्ट वाली वर्कआउट में मैंने सिंगल सिंगल लेग यूज करी थी, तो मैं उसके अंदर जैसे 12-14 वन लेग करूंगी, देन 12-14 वन लेग करूंगी. तो इस तरीके से आप लोग, इसका एक सर्किट मेरा पूरा हो चुका है, इसी तरीके से आप सेकंड सर्किट थर्ड सर्किट भी करेंगे. मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके क्वाड सच में हिट हुए कि नहीं हुए. बिगनर्स के लिए काफी अच्छा वर्कआउट है, क्योंकि अगर मैं बिगनर्स हूं तो मैं लंजेस स्क्वाट्स जनरली लॉन्ग फॉर्म में करती हूँ, जिस कारण से मेरी नीज पे पेन आ जाता है, इंजरीज आ जाती है, और मुझे एक्चुअली लेग डे से फोबिया होने लगता है. तो मैं इस तरीके से वर्कआउट स्टार्ट करूंगी, धीरे धीरे जब मेरी नीज की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, लेग्स की क्वाड्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो मैं धीरे धीरे स्क्वाट्स और लंजेस पे मूव करूंगी. तो आप इस तरीके से वर्कआउट कीजिए. प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या ये वर्कआउट आपको इफेक्टिव लगा कि नहीं लगा. कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस तरीके से वर्कआउट देखना चाहते हैं. हालांकि हमारे चैनल पर भी बहुत कुछ आने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन.
थैंक यू सो मच, बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप डूइंग वर्कआउट्स एंड स्टे पॉजिटिव, टेक केयर.